चतुर बीरबल में आज की कहानी है कुत्ता और दामाद। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, दो ऐसे प्राणी लेकर आओ जिनमें से एक तो एहसान को मानने वाला हो और दूसरा एहसान ना मानकर धोखा करने वाला हो। काफी समय तक इस विषय पर गंभीरता से सोचने के बाद बीरबल एक कुत्ता और किसी सेवक के दामाद को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उस दामाद को बादशाह के सामने पेश करते हुए बीरबल बोले, हुजूर, आपने जैसा हुक्म दिया था मैं वैसे ही दो प्राणी ले आया हूँ। अकबर ने कहा, अब यह भी बता दीजिए बीरबल कि इनमें से कौन एहसान को मानने वाला है और कौन एहसान फरामोश। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस कुत्ते को रूखा सूखा बचा हुआ भोजन मिलता है खाने को, फिर भी यह अपने मालिक का वफादार है। चाहे इसे मारा जाए या घर से निकाल दिया जाए तो भी अपने मालिक की पुकार सुन दौड़ा चला आता है। इसके बिल्कुल उलट है दामाद, वह कभी एहसान नहीं मानता। आप उसे अपना सब कुछ क्यों ना दे दें, लेकिन उसे तसल्ली नहीं होती। जितना अधिक आप उसे देंगे उतनी ही उसकी लालसा बढ़ती जाएगी। उसे केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। वह हमेशा अपने ही बारे में सोचता है, चाहे उसके ससुराल वालों को सड़कों पर भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह खुश हो गए। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा, बीरबल जिस सेवक के दामाद को लाए हैं उसे सूली पर चढ़ा दें। और कुत्ते को उन्होंने दूध पिलाने को कहा। बादशाह का आदेश सुन बीरबल हक्का बक्का रह गए। वह बोले, हुजूर, मेरे कहने का यह मतलब हरगिज नहीं था कि सेवक का दामाद ऐसा है। मैं तो दुनिया भर में जारी मिसाल दे रहा था। इसके लिए इस दामाद को सजा देना ठीक नहीं। आप भी तो किसी के दामाद हैं। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आदेश वापस ले लिया।